कल एक मेरा साथी मिला मुझे मेट्रो में। मैं घर से आ रहा था ड्यूटी, तो उसी समय बोला, भैया आप यूट्यूब पर वीडियो बनाते हो, मैं भी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ। उसने एक बात बताई कि भैया मेरा जो वर्तमान समय चल रहा है, मैं बहुत ही संघर्षों से जूझ रहा हूँ। उधर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ मन से, उधर मेरे मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहे, और उधर से प्रेशर है मेरे पे फैमिली का कि जल्दी से जल्दी नौकरी मिलनी चाहिए। भाई कांस्टेबल की नौकरी है, इसमें हम सभी गरीब घर परिवारों से ही भर्ती होते हैं। यदि हमारे पास इतना पैसा होता तो हम सिपाही की नौकरी क्यों करते। तो भाई मैं सभी के लिए मैं कहना चाहूँगा, देखिए ये संघर्षशील जो संघर्ष वाला समय होता ही है, हमारे जो प्रिपरेशन का समय है, लेकिन यदि आप जब भर्ती हो जाओगे ना, उसके बाद यदि आप अपना पीछे मुड़कर देखोगे, अपने समय को याद करोगे, तो आपको मन ही मन बहुत ही खुशी होगी कि मैं इतने इतने संघर्षों से जीत कर लड़कर मैंने सफलता हासिल की है, मैं टूटा नहीं, मैं इतनी ज्यादा इतना ज्यादा मजबूत हूं अंदर से। तो भाई इसके लिए देखिए, दोस्त जो लाइन जो गालिब ने कही है, उन्होंने ये कहा है कि अच्छे दिन के इंतजार में उम्र गुजर जाती है गालिब, अच्छे दिन के इंतजार में उम्र गुजर जाती है गालिब, फिर पता चलता है कि जो गुजर गए वही अच्छे दिन थे। तो भाई हमें हमारा जो वर्तमान समय है, हमारा जो ये प्रिपरेशन का जो समय है, इसे एंजॉय करना चाहिए। देखिए बहुत ही मुश्किल होता है, मुश्किल तो होता है, लेकिन हमें दिमागी रूप से जो मजबूत होना पड़ेगा यदि आपको ये एग्जाम निकालना है। क्योंकि देखिए हम एग्जाम हॉल में जाकर जब भी हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे, जब भी अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे, कि जब हम मानसिक रूप से जो मजबूत होंगे, हमारा जो मानसिक स्थिति संतुलित होगी, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिए। इसके लिए आप सुबह सुबह आप योगा करिए, दौड़ लगाइए, भागिए, एक्सरसाइज करिए। ये हमें लगता है कि हमारा समय जो खराब हो रहा है, लेकिन बहुत ही अच्छी चीज है। आप देखोगे बहुत ही ज्यादा एफिशिएंसी आएगी आपकी जो पढ़ाई करने में, ठीक है, बहुत ही ज्यादा क्वालिटेटिव पढ़ाई होगी आपकी, क्योंकि शरीर हमारा जब स्वस्थ रहता है तो हमारी पढ़ाई भी अच्छी होती है। तो देखिए आपकी जो मांग थी कि सर जो बचे हुआ समय है, जो बचा हुआ समय है, उसके लिए कोई स्ट्रेटजी लाके लाई जाए, ठीक है। देखिए मैं ज्यादा विश्वास नहीं करता हूँ कि अब की बार 90 दिन की स्ट्रेटजी बताई जाए, फिर 80 दिन की बताई जाए, फिर 60 दिन की बताई जाए, फिर 1 महीने की बताई जाए, फिर 10 दिन की बताई जाए। तो आपकी जो स्ट्रेटजी है वो एक बार है, जो भी है सब ठीक है। आज हम देखते हैं लगभग 80 दिन के आसपास आपके एग्जाम में बचे हैं। सबसे पहली बार तो मैं कहूंगा कि अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिए इन 80 दिनों में। कुछ जो त्योहार है या फिर आपको परेशानी हो रही है रोटी बनाने में, घर से बाहर यदि आप रहते हो, तो देखिए ये आपका 2-2.5 महीने का कष्ट है, इसे झेल लीजिए, उसके बाद पूरा जो जीवन है सुखी ही सुखी है, ठीक है। इसके देखिए अब 80 दिन बचे हैं, तो 80 दिन की स्ट्रेटजी बताएंगे हम। मैं एक सब्जेक्ट को उठाकर बताता हूँ। देखिए आप पहले लेते हैं मैथ को, मैथ में से 15 क्वेश्चन आते हैं। यदि देखिए आप 10 से 12 क्वेश्चन कर पा रहे हैं मैथ में, तो आपको आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप 15 के 15 के चक्कर में पढ़ोगे तो आप 15 भी नहीं कर पाओगे, 15 नहीं कर पाओगे, और आप जो है जीएस और अन्य सब्जेक्टों की बहुत ही ज्यादा आप नुकसान उठा पाओगे, उठा जाओगे, ठीक है। उसके लिए यदि आप 10 से 12 आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं आपके मैथ में, तो आप एक काम करिए, प्रीवियस ईयर टॉपिकों को लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को लगाइए, और जो टॉपिक वाइज या सब्जेक्ट वाइज मॉक लगाइए, और आप ज्यादा से ज्यादा देखिए प्रैक्टिस करने पर ध्यान दीजिए। यदि मॉक से आपके किसी चैप्टर से, या मान चलिए प्रॉफिट एंड लॉस से आपके कोई क्वेश्चन निकला है गलत आपके मॉक टेस्ट में, तो प्रॉफिट और लॉस को अच्छी तरह से इस प्रकार पढ़िए कि आपको भविष्य में उस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, एनालाइज करके, ठीक है। मैथ को सिर्फ 1 से 1.5 घंटा दीजिए, वो भी रात में, रात में 8 बजे के बाद, 8 या 10 बजे से आप स्टार्ट करते हैं पढ़ाई, तो स्टार्टिंग में आपको मैथ और रीजनिंग को रात के लिए रखिए, शाम के लिए, ठीक है। ऐसे में बताऊं, यदि आपका जो रीजनिंग में स्कोर आ रहा है 20 और 22 के बीच में, तो 25 के 25 के चक्कर में मत पढ़िए, आप 1 से 1.5 घंटा दीजिए, और अब आप प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए। उसमें भी आपकी बहुत सारी बुक हैं ऐसी, आपके किरण पब्लिकेशन है, आपकी पिनेकल है, और आपकी ये पीयूष वार्ष्णेय सर की है, तो प्रैक्टिस बुक से प्रैक्टिस करिए, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रैक्टिस करिए, आपको इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। उसके बाद हमारा मैथ हो गया, रीजनिंग हो गई, उसके बाद हमारा आता है कंप्यूटर। देखिए कंप्यूटर में यदि आपके 5 से 6 क्वेश्चन हो रहे हैं तो ये बहुत ही चिंता की बात है, क्योंकि ये देखिए कंप्यूटर ऐसा सब्जेक्ट है, हम थोड़ी सी मेहनत में इसमें से 8 से 10 नंबर, 8 से 9 नंबर हम आसानी से लेकर आ सकते हैं। उसके लिए देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक आपकी मैंने पहले भी सजेस्ट की है वो,
एक आपकी जो पिनेकल पब्लिकेशन की बुक है जिसमें प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, और आप जो एग्जामपुर वाली प्रीति मैडम का बताया था मैंने, भाई मैंने उन्हीं से पढ़ा था और सेल्फ स्टडी की थी, ठीक है, उस किताब को ले लीजिए। ऐसी ऐसी किताबों के चक्कर में मत पढ़िए खाली जो ऑब्जेक्टिव किताब हो, ऑब्जेक्टिव बुक से भाई आप स्कोर नहीं कर पाओगे। उनका उनके मॉक टेस्टों में स्कोर कर सकते हो जो उस मॉक टेस्ट को जो प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस मतलब जब आप हकीकत से रूबरू होगे तो कुछ अलग ही मिलेगा आपको, ठीक है दोस्तों। इस चीज को समझिए, मार्केटिंग को समझिए, ठीक है। कंप्यूटर पर लगभग 2 से 3 घंटे दीजिए, उसमें नया पढ़ो नया पढ़िए, जो सब्जेक्ट आपने चैप्टर नहीं पढ़ रखा या टॉपिक नहीं पढ़ रखा, उसके बाद प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए ज्यादा से ज्यादा। आप ये पिनेकल पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं, ठीक है। आपकी शायद देखिए ये वाली बुक है आपकी, मेरे छोटे भाई जो तैयारी कर रहा है ये वाली बुक है, इसमें देखिए कितनी अच्छी तरह से दे रखा है। इसमें ये भी दे रखा है कि दिल्ली पुलिस में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। कोशिश होगी देखिए इसमें ज्यादा से ज्यादा कराने की, अपना ड्यूटी पे से टाइम मिलता है तो फिर ऐसे ही मेरी भी खुद की पढ़ाई है, लेकिन कोशिश करी जाएगी ज्यादा से ज्यादा आपको कंप्यूटर के लिए कंटेंट दिया जाए। कंप्यूटर का हो गया आपका, उसके बाद आते हैं जीएस पे। देखिए यदि मुझसे कोई 2 शब्दों में पूछे कि दिल्ली पुलिस की सफलता किस में छिपी है, तो मैं कहूंगा कि जीके में। यदि देखिए आपकी जीके सही है, यदि आप जीके में 35 से 40 के बीच स्कोर कर रहे हैं, तो आपको जो सेलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, यदि आप 35 से 40 क्वेश्चन आप सही कर रहे हैं, ठीक है दोस्त। आपको बशर्ते जीएस पे ज्यादा से ज्यादा समय दीजिए। अब जितना भी उसके बाद आप मैंने जो बताया है 1 से 1.5 घंटे आपके मैथ, उसके बाद रीजनिंग कंप्यूटर, उसके बाद ज्यादा से ज्यादा समय दीजिए जीएस पे। अब जीएस को पढ़ने का सही तरीका बता दूं मैं, देखिए पहले भी बता चुका हूं, मेरे पास वही चीजें, मैं नई नई चीजें नहीं लेकर आता, आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। उसके लिए आपने नोट्स बनाए होंगे, अपने पहले नोट्स पढ़िए। मान चलिए आज आप पढ़ रहे हो नीति निर्देशक तत्व, सबसे पहले आप नोट्स पढ़िए। नोट्स के बाद कोई या तो देखिए ऐसी बुक लीजिए जैसे पिनेकल पब्लिकेशन है, उस पिनेकल में से, या फिर आपकी किरण पब्लिकेशन है उस बुक में से, फिर उस चैप्टर को निकालिए कि नीति निर्देशक तत्व से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। एक बार नोट्स पढ़ने के बाद उससे पढ़िए, उसमें कोई नई चीज मिलती है तो उसे अपने नोट्स में जोड़िए, और फिर उसके बाद नोट्स से ही रिविजन करिए, फिर आगे सप्ताह में अगले सप्ताह में जो भी चीज पढ़ते हो आप, ठीक है, कोई भी चीज पढ़ते हो तो उसी से आप रिविजन करिए। जीएस का भाई यही एक तरीका है आपको याद करने का। अच्छा अब इसमें देखिए आपका अन्य प्लेटफॉर्म भी है, जैसे टेस्ट बुक है आपका, ग्रेड अप है, टेस्ट बुक जैसे जो प्लेटफॉर्म है, ये आपको टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्रोवाइड करते हैं, वो भी टॉपिक वाइज। आपको इनका सही से यूटिलाइज आना चाहिए, सिर्फ ये नहीं मॉक लगाया 55 नंबर आ गए हमारे बस बंद करके रख दो, उसका आपको एनालाइज करना भी जरूरी है, उसके बाद आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन लगाने भी जरूरी है, ठीक है भाई। मैं बार बार बता चुका हूं मेरी सफलता का जो राज था, सफलता जो छुपी थी मेरा भाई क्या था, मेरा जीएस थी, जीएस में 39 क्वेश्चन थे मेरे 50 में से, ठीक है भाई, और 9 क्वेश्चन थे मेरे कंप्यूटर में, तो 60 में से मेरे 48 क्वेश्चन थे आपके जीके में, और मैंने ट्रेनिंग से पेपर दिया था और मेरी जीके पहले से ठीक थी। देखिए कोई भी एक चीज एक दिन में नहीं बनती है, अभी आपके पास लगभग 80 दिन का समय है, आपको जीएस में बहुत, यदि आपके 20 भी नंबर आ रहे हैं ना फिलहाल, यदि आपके 20 भी नंबर आ रहे हैं, अभी इतना समय है कि आप 40 तक आसानी से पहुंच जाओगे जीके पर, लेकिन आप सही रास्ता चुनना पड़ेगा। आप भीड़ तंत्र का हिस्सा बनोगे, जहां भीड़ चल रही है, एक दो चैनल हैं उन्हीं के पीछे ये प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, एक प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं दोस्त, यदि आपके ये मानिए इन्होंने 100 प्रैक्टिस सेट करवा दिए आपके यूट्यूब पर या कहीं, और आपके 10 क्वेश्चन आए उनमें से, क्या आना है? यदि 100 में से यदि 60 आपके 40 क्वेश्चन हो तो आना है, 60 क्वेश्चन आए फिर वो चिल्ला चिल्ला के बता दें कि हमारे हमारे पढ़ाई में से ये आ गया, हमारे पढ़ाई में से ये आ गया, भाई बिना सेल्फ स्टडी के सिलेक्शन नहीं है, गारंटी है ये, ठीक है। आप किसी भी उठा के देख लीजिए, एसएससी जीडी का रिजल्ट देख लीजिए आप, लोग 105 और 110 वाले बता रहे थे आपका सिलेक्शन है, और हवा 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 मुख हो गए सारे लोग, पता तो नहीं चली, सब तुक्का है कुछ नहीं है। सेल्फ स्टडी करो और सही तरीके से करो, आपको भीड़ का हिस्सा नहीं होना है बल्कि भीड़ से अलग होकर चलना है। अब एक चीज सुनिए, अब दिल्ली पुलिस के लिए बता दूंगा भाई, पिछली बार 29,87,000 फॉर्म थे और 30 लाख से नीचे अब भी नहीं डलेंगे। अब यदि आप उन उन तो आपके जो 30 लाख में से आप 7-8 हजार वैकेंसी हैं, 8 हजार वैकेंसी हैं, आप उनमें से 29 लाख और 92 हजार कैंडिडेट
के साथ जाओगे तो आपका सिलेक्शन क्यों होगा? आप 29,92,000 से कुछ अलग करोगे जब आप 8,000 में आ पाओगे। आप ये के फैलाना उससे कर रहा है, उससे पढ़कर आपको उनके मॉक टेस्ट में तो नंबर बढ़ सकते हैं, आपको आत्मिक संतुष्टि मिल सकती है, लेकिन सिलेक्शन नहीं मिलेगा भाई। और अच्छे अच्छे से आपके जो प्लेटफॉर्म है जो मॉक टेस्ट देते हैं, बेशक वो फ्री में दे रहे हैं, उनका तुम दिमाग नहीं समझ रहे, वो आपको मॉक टेस्ट फ्री में प्रोवाइड करते हैं, फिर आपको फंसाते हैं, फिर आपसे उससे ज्यादा का कोर्स परचेज कराते हैं, फिर उससे पढ़ाते हैं, उसी ये पढ़े हुए को अगले मॉक टेस्ट में रखते हैं, फिर तुम्हारे नंबर ज्यादा आते हैं, आप उसमें खुश हो जाते हो, लेकिन सिलेक्शन नहीं मिलेगा। जिस प्रकार आप एसएससी जीडी में से बेरोजगार रह गए, इसी प्रकार दिल्ली पुलिस में से रह जाओगे, गारंटी है भाई। आपको बुरी लग रही हो बात, लेकिन ये चीज सच्चाई है। जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे आपको सफलता नहीं मिलनी। सेल्फ स्टडी। आप छोटे से लेकर बड़े एग्जाम किसी में भी चले जाइए, किसी का भी एग्जाम दो, बिना सेल्फ स्टडी के आपका सिलेक्शन नहीं है। आप बनते रहो भीड़ तंत्र का जो हिस्सा। जिस प्रकार अन्य भर्तियां चली गई यही भाई, उसी प्रकार ये चली जाएगी। देखिए परिवर्तन जो है, परिवर्तन करने में थोड़ा, परिवर्तन लाने में अपने जीवन में थोड़ा कष्ट होता है, दुख लगता है, लेकिन वो जरूरी होता है भाई। स्टार्टिंग में देखिए हमारे देश में सती प्रथा का अंत हुआ, उस समय पर हमारे समाज ने बहुत ज्यादा विरोध करा था, लेकिन आज के समय में आप सोच के देखिए, आज के समय में लगता है कि भाई कितनी गलत चीज थी सती प्रथा, महिलाओं का क्या दोष था। उस समय के अनुसार वो चीज ठीक थी, लेकिन अब बदल के देखिए, हमें परिवर्तन करने में थोड़ा समय लगा ना, कष्ट हुआ, बहुत ज्यादा विरोध हुआ था इसका, लेकिन देखिए अब कितना अच्छा लग रहा है। तो इसी प्रकार आपको देखिए, उस मोह को छोड़िए, ये चीज मिल रही है, मॉक टेस्ट में इतने आ रहे हैं, स्टेटस लगा देते हो आप कि मेरे अब की बार 80 आ गए, ठीक है, लेकिन वहां सिलेक्शन में फिर वही जीरो, जिस प्रकार एसएससी जीडी में आपसे कुछ नहीं हुआ। आपकी कमी नहीं थी वो, आपका जो पथ प्रदर्शक था, जो पथ प्रदर्शन जो आपका जिसके द्वारा किया गया था, ठीक है, वो गाइडेंस थी, आपको सही गाइडेंस नहीं मिली। मॉक टेस्ट में अच्छे स्कोर आ रहा था आप लोगों का, लेकिन नहीं हुआ सिलेक्शन, यही कारण था दोस्त, ठीक है। बस मैं तो ये चीज बताऊंगा, मैंने आपको बता दिया है किस प्रकार से क्या करना है। मैक्सिमम टाइम आप जीएस को दीजिए। यदि आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई डाउट है, यदि कोई सलाह मशवरा है, ठीक है, तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरा जो इंस्टाग्राम है amidatri99 उस पर कोई भी मैसेज कर सकते हैं। अभी तक कोई ऐसा नहीं होगा जिसे मैंने उसका रिप्लाई नहीं दिया हो, ना ही कमेंट पे और ना ही आपके जो इंस्टाग्राम पर, ठीक है। जैसे ही समय मिलता है, बेशक लेट हो जाए 1-2 घंटे, लेकिन आपका रिप्लाई मिलेगा। चलिए, तो यदि कोई क्वेश्चन है आपका, कोई डाउट है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।